नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। 16 नवंबर को मेवालाल चौधरी ने जैसे ही नीतीश कैबिनेट में मंत्री के तौर पर शपथ ली, बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। ऐसा भूचाल जिसने मेवालाल को सत्ता का मेवा खाने से पहले ही सेवा से मुक्त कर दिया। दरअसल मेवालाल चौधरी ने 19 दिसंबर को पदभार ग्रहण किया और पदभार ग्रहण करने के 2 घंटे के अंदर ही इस्तीफा देना पड़ गया। मेवालाल चौधरी के इस्तीफे से नई नवेली नीतीश सरकार की जमकर किरकिरी हो रही है। सवाल उठ रहे हैं कि मेवालाल चौधरी अगर दागदार थे तो सीएम नीतीश ने उन्हें अपने कैबिनेट में शामिल क्यों किया, और शामिल किया तो फिर इतनी जल्दी इस्तीफा क्यों ले लिया? आखिर क्यों मेवालाल को मंत्री बनने के कुछ घंटे बाद ही पूर्व मंत्री बनना पड़ गया? आखिर मेवालाल है कौन? उन पर ऐसा क्या आरोप है जिसके कारण नीतीश कुमार ने उनसे इस्तीफा मांग लिया? ये सब हम आपको बताएंगे। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि इस्तीफा देने के बाद मेवालाल चौधरी ने क्या कहा। कोई भी केस तब प्रूफ होता है जब आपके पास चार सीटेड हो या कोर्ट ने कुछ फैसला किया हो। ना हम अभी चार सीटेड हैं, ना हमारे ऊपर कोई आरोप सिद्ध हुआ है। अब इसके बारे में आप सोच लीजिए। दूसरी, और राज्यपाल ने जो कार्रवाई की थी वो कार्रवाई क्या गलत थी? दूसरी सुन लीजिए आप पूरी बातें। कार्रवाई जो की गई थी, हम ये नहीं कहते कार्रवाई जो, सुन लीजिए, जो 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 चीज हुआ है उसके बारे में सत्यता जान लीजिए, सत्यता उसके बारे में जान लीजिए। ये सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें वाइस चांसलर को सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ नहीं करना होता है। बता दें कि मेवालाल चौधरी तारापुर प्रखंड के कमरगांव गांव के निवासी हैं। राजनीति में आने से पहले वर्ष 2015 तक हुए भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति थे। तारापुर से मेवालाल चौधरी दूसरी बार विधायक निर्वाचित किए गए थे। इससे पहले वर्ष 2010-15 में उनकी पत्नी स्वर्गीय नीता चौधरी यहां से विधायक निर्वाचित हुई थी। वर्ष 2015 में सेवानिवृत्ति के बाद राजनीति में आए। इसके बाद जदयू से टिकट लेकर तारापुर से चुनाव लड़े और जीत गए। लेकिन चुनाव जीतने के बाद डॉक्टर चौधरी नियुक्ति घोटाले में आरोपित किए गए। कृषि विश्वविद्यालय में नियुक्ति घोटाले का मामला सबौर थाने में वर्ष 2017 में दर्ज किया गया था। उनके ऊपर आरोप है कि कुलपति रहते हुए उन्होंने 161 असिस्टेंट प्रोफेसर की गलत तरीके से बहाली की थी। तत्कालीन बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने उस वक्त मेवालाल चौधरी के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। जाँच में मेवालाल चौधरी के खिलाफ लगे आरोपों को सही पाया गया था। उन पर सबौर कृषि विश्वविद्यालय के भवन निर्माण में भी घपलेबाजी का आरोप है। इस मामले में विधायक ने कोर्ट से अंतरिम जमानत भी ले ली थी। पिछले 2 दिनों से लगातार आरजेडी मेवालाल चौधरी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर उनकी पत्नी की संदिग्ध मौत के मामले में मेवालाल की कथित संलिप्तता को लेकर जाँच की मांग कर रही थी। बता दें कि मेवालाल चौधरी नीतीश कैबिनेट के सबसे अमीर मंत्री भी थे। उनके पास 12 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।